अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग लेकर आई हूँ अपने मेकअप का। मैं मेकअप कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आज मैं ये पाकिस्तानी पेन स्टिक है, कैलोन की पेन स्टिक, तो ये मैं आपको दिखाने लगी थी कि इसके साथ मैं मेकअप करती हूँ। ये पाकिस्तान से कोई मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे तो वो लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उनसे एक चीज़ मंगवाई थी देख कर मैंने टी वी पर, यूट्यूब, पाकिस्तानी यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ इसको ट्राई करके कि ये किस तरह की है। इस रीज़न से मैंने मंगवाई थी। ये FS45 शेड है ये इसका। आई डोंट थिंक कि मेरे लिए ठीक है, बट फिर भी मैं ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा इसका मेकअप होता है। इसका इसकी पैकेजिंग इस तरह की स्क्रू की तरह ये ओपन होती है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से निकलती है। और वैसे कि मैं अपने फेस के ऊपर ट्राई करके देखती हूँ कि किस तरह की है, तो आप लोगों को पता चलेगा, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और टीवी पेन स्टिक के नाम से है ये, आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी ब्रांड है। और चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना मेकअप। और उसके से पहले एक काम हम लोग करते हैं, ये सैनिटाइज़र है, इससे पहले अच्छी तरीके से हम हैंड वॉश कर लेते हैं और हैंड पे अपने इसको यूज़ कर लेते हैं, ताकि आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरा पहले का व्लॉग देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हैंड सैनिटाइज़र ये मैंने घर में बनाया था अपने, तो इस तरीके से अच्छी तरीके से अपने हाथ, ताकि कोई जरासीम नहीं हो, हम अपने इसको चेहरे पर भी अपने हाथ यूज़ करेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और अब हम शुरू करते हैं अपना मेकअप। सो गाइज, ये आपको मैं दिखाने लगी थी नूपुर ब्लम का, ये मैं प्राइमर लगाने लगी थी। ये प्राइमर मेरे फेस को बहुत सूट करता है, मैं ऑलवेज़ यही लगाती हूँ, ज़्यादातर ये लगाती हूँ, इसके बाद मैं और दूसरा कोई यूज़ करती हूँ। ये आपको मैं स्टिक दिखा रही थी, कैलोन की टीवी पैंट स्टिक है ये, तो ये स्टिक लगाने लगी थी फर्स्ट टाइम। एक्चुअली मैं ट्राई करके देख रही थी अपने फेस के ऊपर कि मेरे फेस को सूट करती है और नहीं करती, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे फेस के लिए, मतलब मेरी स्किन ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन नहीं है, तो इसीलिए मेरे फेस को इतना, मतलब मुझे ज़्यादा अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना पड़ा था, बार बार मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे ये ड्राई हो रही है स्किन पर, तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि मैं सही से इसको ब्लेंड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ड्राई है मेरी स्किन के लिए। एक्चुअली काफ़ी हम लोगों को, हम लोग जहाँ USA में रहते हैं तो ये स्किन हमारी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत हवा में मतलब नमी नहीं होती, इस रीज़न से। तो मैंने दोबारा थोड़ा सा और लोशन लगाया था अपने फेस के ऊपर ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए, और जो पर्पल स्टिक लगाने का कि वो बिल्कुल सेट हो जाए सही से, और कहीं से जैसे लाइक आपको ऐसा नहीं लगे कि फटा फटा हो रहा है, पैजेस बन रहे हैं इस तरह का। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये मेरा अच्छी तरीके से लग चुकी है स्टिक, बिल्कुल सही से बैठ गई थी, लगने के बाद अच्छा लग रही थी। ये अब मैं अपनी आईब्रो डन करने लगी थी। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आईब्रो डन हो चुकी है, अब मैं अपने आई शेड लगाऊंगी। ये ट्रूली मैडली डीपली आई शेडो पैलेट है कलर पॉप की, तो ये आई शेड लगाने लगी थी। एक्चुअली बहुत अच्छी पैलेट है इसकी, अभी ये नहीं आई थी तो बहुत एक्चुअली लाइट है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है इसके सारे शेड, मुझे बहुत पसंद है कलर पॉप की, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये पैलेट ना, इसके सारे शेड जो हैं बहुत सॉफ्ट है ना, तो मतलब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो मुझे इसीलिए पसंद है, अक्सर मैं ये पैलेट यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था ये। इसके ऊपर अब एक दूसरा शेड लगाने लगी हूँ, आपको दिखा रही थी, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और दो शेड नहीं दिखे, वो एक शेड बन जाए दोनों मिलाकर। ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरा ये आँखों का मेक अच्छे से सेट हो गया था दोनों साइड से, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया था दोनों तरफ से। ये थोड़ा सा नीचे भी मैं इसका शेड दे रही थी आंखों के नीचे जो होता है, तो ताकि इवन हो जाए, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सही से सेट हो गया था। अब मैं ये आईलाइनर लगाने लगी हूँ, ये NYX का आईलाइनर है,
एक्चुअली इसका ब्रश बहुत अच्छा होता है, इससे जो आपके विंग्स हैं बहुत आसानी से बन जाते हैं, तो इसलिए मुझे ये वाला बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी बाय करूँ तो निक्स का ही बाय करूँ, क्योंकि बिल्कुल फैलता भी नहीं है और अच्छे से लग जाता है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सही से लग गया है दोनों आँखों में। अभी मैं मस्कारा लगाने लगी हूँ। ये मस्कारा भी वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा है, ये भी बिल्कुल नहीं फैलता और बिल्कुल सही से सेट रहता है। और आपकी आईलिशेज जो होती हैं वो बिल्कुल लाइट आपको फील होती हैं, कि लाइक लगता नहीं है, आपकी आईलिशेज हैवी नहीं लगती इससे लगाने से, क्योंकि कुछ मस्कारा होते हैं तो उससे आपकी आईलिशेज काफ़ी भारी हो जाती हैं और आपकी आंखें झुकी झुकी आपको फील हो रही होती हैं। अब मैं ब्लश लगाने लगी थी, ये मॉर्फी की ब्लश पैलेट है, तो मैं ये लाइट सा सॉफ्ट सा ब्लश लगा रही थी, क्योंकि एक्चुअली जो मैंने स्टिक लगाई हुई है कैलियन की टीवी पेन स्टिक, तो वो बहुत वैसी थी, इसके हिसाब से मुझे मेकअप कर। ये मैं शाइनर लगाने लगी थी, ये आप देख सकते हैं ये शाइनर है। अब ये इसको मैं लगाऊंगी, ये ब्लश लगाया था इसके ऊपर, ये भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और इससे आपका चेहरा बहुत ग्लो करने लगता है। आप लोग देख सकते हैं इसको, एक्चुअली जब भी मैं लगाती हूँ तो अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा कट ज़रूर देती हूँ, ताकि फेस सब तरफ से ग्लोइंग दिखे। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से दिखता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये मैं आपको वेट एंड वेलिट का हाइलाइटर दिखा रही थी, इससे मैं अपने आई कॉर्नर बना रही थी, क्योंकि इसके कॉर्नर ज़्यादा शाइन करके दिखते हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं वॉलमार्ट से मैंने बाई किया था, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये मैं आपको दिखा रही थी वेट एंड वेलिट लिप ग्लॉस था, तो ये शेड एक्चुअली इस मेकअप पे मुझे अच्छा लगा। सो ये अच्छा है शेड, इसलिए मैंने लगाया, क्योंकि ये मैटेड है और लॉन्ग लास्टिंग है, ये मतलब रहता है आपके लिप्स पर 24 आवर्स, ये आप लोग देख सकते हैं, तो इसलिए लगाया। ये मेरा मेकअप डन हो गया था। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा मेकअप डन हो गया है और अच्छी है। अगर इस स्टिक के लिए मैं रिव्यू दूंगी तो अच्छी है ये, लेकिन ये जो ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए तो आई गेस ये बिल्कुल भी नहीं है, और जिसको ये इस तरह की स्टिक यूज़ करनी है तो उनको पहले बहुत अच्छे तरीके से अपना फेस मॉइस्चराइज करना होगा, मतलब ज़्यादा यूज़ करना होगा। वैसे स्टिक बहुत अच्छी है, आई थिंक देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, मेकअप अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे पहले स्किन बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है कि आप अपने स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर लें, ताकि आपके चेहरे के ऊपर मेकअप पूरा एडजस्ट हो जाए। एक्चुअली मैंने बहुत मतलब मेकअप करा था, अच्छे से करा था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके ऊपर नहीं अप्लाई करी, क्योंकि मुझे डर था कि बाद में फटने नहीं लगे और वो पैचेस नहीं बन जाए। इस रीज़न से अगर आप लोग कर रहे हैं तो साथ में इसके अगर ज़्यादा लाइक प्राइमर और जो भी सीरम वगैरह है वो यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छी रहेगी उसके साथ। तो होपफुली आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, और जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है, सेम थिंग कह रही हूँ कोरोना वायरस का, तो प्लीज़ फ्रेंड्स उन सबके लिए दुआ कीजिए, बहुत स्ट्रेस में पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हुआ हुआ है, और मतलब डिप्रेशन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो हम इस तरीके से एक दूसरे का टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं, कि देखकर अच्छे मैसेजेस एक दूसरे को देखकर, घर में अच्छी वीडियो देख के, फैमिली के साथ अच्छी बातें करके अपना टाइम बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। और हंसी खुशी रहने की कोशिश करें, कोई डिप्रेशन वाली चीज़ें नहीं देखें, मतलब कोई ज़्यादा अगर सैड न्यूज़ है तो उसको भी शेयर नहीं करें, ताकि लोग देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो अच्छी बातें शेयर कीजिए तो अच्छा लगेगा, इस वक्त हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत स्ट्रेस वाला इस वक्त माहौल है, और अल्लाह करे जब मैं व्लॉग बनाने लगूँ थोड़े दिनों के बाद, तो मैं बोलूँ कि अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया, वो एक बुरा ख्वाब तक ख़त्म हो गया। तो इसके साथ ही है आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। होपफुली मेरा ये व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। अगर आप लोग भी वाली स्टिक यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में मॉइस्चराइज करना अपने फेस को नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।